बसपन भाई, हमारी मंडी मीर उस्मान अली बादशाह की तरफ से चलते हुए आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और यही गंगा जमुना की तरीकी जब से और आज तक बरकरार है, आज तक बरकरार है। कुरैशी बिरादर और आर्यकड़ी बिरादर, चमनकली कुरैशी बिरादर, आर्यकड़ी बिरादर साथ में मिलके आज भी कोई भी फंक्शन करेंगे तो हम मिलजुल के करते हैं। हमारे बहुत खुशी हुई आज हमारे पिता समय दिए, आप हमारे मंच पे आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे कम्युनिटी के आज आप इतना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी नियत पे अल्लाह आपकी कामयाबी और किए, और अल्लाह आपको इस कारण क्षेत्र से जरूर आपका एमएलए बनाए, क्योंकि एमएलए ऐसे होगा जो मजहब पूरा सोचे, एमएलए ऐसे होगा जो गरीब को सोचे, वो हमारे उस्मान भाई में नजर आता। मैं दिल से दुआ करूंगा या अल्लाह आज हमारे उस्मान भाई के वास्ते जरूर रहमत के दरवाजे खोल दे, और हमारे भाई उस्मान भाई को इस कारवां क्षेत्र का एमएलए हम जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ये हमारा वादा है। सिलो बाबा जो अभी अभी शब्द बोले बहुत अच्छे, उनके जो दयामत है उनके उसके अंदर आप उनके जो इज्जत नियत जो भी है उस्मान भाई की, अभी अगर पहले अगर ये रहता हमारे चेयरमैन साहब कुमार सिंह जी, चेयरमैन साहब ऐसा है हम तो चेयर के संगे आगे के संगे हम भी आपके साथ रहते थे, अब 18,000 सीटर भाई कोई नहीं समझे, 5,000 सीटर आगे के संगे कांग्रेस पार्टी 600 पार्टी को आज मुस्लिम वोट जीतने अगर हिंदू वोट जीतने था आज भाई विराट जीता सुनिश्चित रहते थे, ब्रिस्टी अगर ब्रिस्टी की ना जो इज्जत है मध्य रात उन प्रभा करके फिर एक आपको दुआ देते हुए इस पद से भोजन मुख्य रानी भाई और सभी के सभी सदस्य कमेटियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। गवर्नमेंट बनने से अभी हमारे गोल्डन ग्रुप के तमाम जो जिम्मेदारों को मिलकर बहुत खुशी हुई, और आर्यकटिका के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब मिलकर के आप मिलकर के रहें, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिराटर हाउस के लिए मॉडर्न सिराटर हाउस के लिए जो कोशिश है आप सबकी, नरसिंह भाई की, हमारे दर्शन भाई और वो पूरे आर्यकटिका के समाज के जो श्रीनिवास भाई जयपुरा मंडी के प्रेसिडेंट है, और बहुत खुशी हुई आप सब से मिलकर, हम सब मिलकर जयगुड़ा स्लाटर हाउस को मॉडर्न स्लाटर हाउस बनाने में सब मिलकर काम करेंगे। इससे पेट का रोजगार है, पेट किसी का मजहब नहीं देखता, सबके लिए हम काम करेंगे, और हम पार्टी ऑलरेडी रेवंतरी साहब वादा करे हुए हैं, हम सब मिलकर हमारे पूनम प्रभाकर साहब से भी जाके हमारे समाज के सब मिले हैं, आप सब मिलकर काम करेंगे। पार्टी अपनी जगह है, हम अपने डेवलपमेंट के लिए सब मिलकर काम करेंगे, और आपके जो इस पीरियड में सबसे पहला काम हमारे एरिया में हम पहले बने के मॉडल सिलेक्टर के लिए काम करेंगे, आप सबको बधाई देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, गंगा जमुनी तहसील को हम जिंदा रखेंगे, बरकरार रखेंगे। मुझे जो मौका दिया गया मैं आप तमाम का गोल्डन ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू।